नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कंसीव करना चाह रहे हैं, एक मैरिड कपल हैं, किन्हीं भी कारणों से कंसीव नहीं कर पा रहे और महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल वीकनेस उसके लिए ज़िम्मेदार है, या फिर जो हमारी रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग उम्र से पहले हमारे अंदर बुढ़ापा आ गया और अब लगता है कंसीव नहीं होगा, तो ऐसी कंप्लेंट्स को ठीक करने के लिए और आपकी मदद करने के लिए एक एड ऑन रेमेडी है जो बहुत इफेक्टिव है, जिसका नाम है एग्नेस कैस्टस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस बहुत ही अच्छी दवा के एक्चुअल बेनिफिट्स क्या हैं, डायग्नोस्टिकली, सिम्टोमेटिकली, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि भाई मेल फीमेल कंप्लेंट्स में कहाँ कहाँ कौन कौन से सिम्टम्स पे आपको इस दवा को इस्तेमाल करना चाहिए। इससे सही लाभ चाहते हैं, इफेक्ट चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, तो इसकी सही डोसेज और इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, वीडियो को शुरू करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमेशा की तरह कि बात समझने के लिए पूरा देखिएगा, समझ में आए तो थम्स अप दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जुड़ते हैं और होम्योपैथी की पब्लिक इमेज इम्प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई आखिर एग्नेस कैस्टस क्या है। देखिए, एग्नेस कैस्टस बेसिकली एक फ्लावरिंग पेड़ है, फ्लावरिंग पौधा है, और ये जो पेड़ है ये मेडिटेरेनियन एरिया, यानी जो हमारा अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास का जो एरिया है, यानी नॉर्थ अफ्रीका के कुछ एरिया और यूरोपियन एरियाज इंक्लूडिंग इंग्लैंड, तो इन सभी एरियाज में, मेडिटेरेनियन एरिया में ये जो पेड़ पाया जाता है जिसे हम चेस्ट नट या चेस्ट ट्री बोलते हैं, उसी पेड़ के पत्तों से बनी दवा है एग्नेस कैस्टस। अब ये दवा पहले भी इस्तेमाल होती आई है, बहुत ही अच्छी एफ्रोडीजियाक है, बहुत जैसे कहते हैं ना हज़ारों सालों से लोगों ने इस्तेमाल करी है और रिसर्च के हिसाब से होम्योपैथी में भी इससे दवा बनाई गई है। अब आ जाइए बेनिफिट्स के ऊपर। देखिए किन किन चीज़ों में, किन किन सिम्टम्स में दवा बहुत अच्छी है। प्री मेच्योर एजिंग बहुत ही बढ़िया दवा है इस कंप्लेंट की। प्री मेच्योर एजिंग का मतलब क्या है, समय से पहले ऐसा लग रहा है हमारे अंदर बुढ़ापा आ गया, शरीर में ताकत नहीं है, कमजोरी महसूस हो रही है और जो हमारा सेक्सुअल लाइफ है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हम तो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन बैठ रहे हैं, जो हमारा काम है वो इस तरह का है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो रही, बड़ा ही खराब हमारा लाइफ स्टाइल है, हम पहन अच्छा रहे हैं, मॉल्स में घूम रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में सेल्फीज खिंचा रहे हैं, पर खुद महसूस हो रहा है कि अब हमारे अंदर वो ताकत नहीं बची है। उसके बाद जब हम रिपोर्ट्स करा रहे हैं तो डायग्नोस्टिकली पता चल रहा है मेल्स के अंदर कि भाई टेस्टोस्टेरोन वीक है, फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन वीक है। उसके अलावा भाई स्पर्म काउंट्स देख रहे हैं तो हमारे स्पर्म काउंट्स अच्छे नहीं हैं, अगर काउंट्स अच्छे हैं तो वो उनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, अगर मॉर्फोलॉजी भी ठीक ठाक मिल जाती है तो शायद बहुत ही कम परसेंटेज ऐसी है जिनसे कंसीव हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे ये जो सेक्सुअल वीकनेसेस हैं या जो हमारे कुछ हमारा बॉडी टाइप कुछ इस तरह का हो गया है जिसमें कुछ ऐसे नेगेटिव चेंजेस आ गए हैं ना, वो हमें रोक रहे हैं और उसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और आपको भी पता है इनफर्टिलिटी, स्टर्लिटी, कंसीव ना करने पे सबसे ज़्यादा जो टारगेट की जाती हैं वो फीमेल्स टारगेट की जाती हैं, जबकि कहीं ना कहीं मेल्स ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। और इतनी कोशिशें होती हैं, IUI हमने करा, IVF हमने करा, हमने जो है प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से इंटरकोर्स करने की कोशिश करी लेकिन कंसीव नहीं हुआ और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने की बहुत ही अच्छी दवा है और रिजल्ट देने वाली जो दवा है उसका नाम है एग्नेस कैस्टस। अब देखिए आप फ्री वही बात मैं बोलूँगा, यूट्यूब पे हर किसी का चीज़ को समझाने का तरीका अलग है, लोगों ने बहुत अलग अलग तरह से समझाया है, लेकिन अगर आप ढंग से कंसेप्ट को समझें और प्रेजेंट 2022 के हिसाब से कंसेप्ट मरीज को समझाना चाहें ना तो ये एक्चुअल कंसेप्ट है एग्नेस कैस्टस। ठीक, अब आ जाइए सिम्टम्स के ऊपर। भाई देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल्स की, क्योंकि देखो फीमेल्स की बात कोई नहीं करता, उनकी तकलीफ कोई नहीं समझता। अब आप समझिए अगर कोई एक ऐसी फीमेल है जिन्होंने कई बार ट्राई किया, पहले तो कंसीव करने का शादी के बाद कई साल तक खुद ट्राई करा, नॉर्मल ट्राई करा, अलग अलग तरह के नुस्खे भी अपनाए, लोगों की कही हुई बातें भी अपनाई, डॉक्टर का गाइडेंस भी लिया, टाइमली जो पर्टिकुलर फर्टिलिटी पीरियड होता है उसमें कई बार कोर्स इंटरकोर्स करा, अच्छे से इंटरकोर्स करा, लेकिन उसके बावजूद हर चीज़ का ध्यान रखने के बाद भी कंसीव नहीं हो पाया, यानी प्रेगनेंसी नेगेटिव ही आई। उसके बाद IUI ट्राई हुआ, IVF ट्राई हुआ, पर निल, एवरीथिंग वॉज निल, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला हमें, पैसा भी खर्च हुआ, समय भी बर्बाद हुआ। तो ऐसे में क्या होगा, फीमेल के अंदर फ्रस्ट्रेशन।
इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, इस लेवल पे फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से नफरत हो जाएगी, मन नहीं करेगा कि उनका सेक्सुअल पार्टनर यानी उनके जो मेल पार्टनर है उन्हें टच भी करे, और जो वहाँ पे उनका जो इनफर्टिलिटी, ऐसी इनफर्टिलिटी आ जाएगी कि जब सेक्सुअल डिज़ायर डिमिनिश्ड हो जाएगी तो हमेशा वजाइनल एरिया ड्राई रहेगा, हल्की सी उसके अंदर इचिंग महसूस होगी, बर्निंग महसूस होगी, रिलैक्स्ड एरिया रहेगा, या हो सकता है वजाइनल एरिया बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए। ड्यूरिंग इंटरकोर्स मेल पार्टनर को भी पेन हो सकता है। फिर अगर लुकोरिया शुरू हो गया यानी वाइट डिस्चार्ज शुरू हो गया, सो इट विल बी नॉट, वो एक्चुअली वाइट नहीं होगा, वो ट्रांसपेरेंट के जैसा होगा यानी पानी जैसा होगा, लेकिन जब इतना ज़्यादा एसिडिक होगा ना कि जहाँ जिस कपड़े को टच करेगा, जो हमारे अंडर गारमेंट्स है वहाँ टच करेगा, तो वो बिल्कुल स्टेनिंग होने लग जाएगी उसके ऊपर, और पेशेंट को खुद ही महसूस होगा कि भाई ये तो बहुत ही अजीब सी कंडीशन हो गई है बिल्कुल। और फ्रस्ट्रेशन चेहरे के ऊपर, आपको बेबाक फीमेल का चेहरा देखें ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं 10 साल उम्र ज़्यादा महसूस हो रही है, बाल ज़्यादा सफ़ेद होने लग जाएंगे, हार्मोनल कंप्लेंट्स होने लग जाएंगी। अगर आप बाकी डायग्नोस्टिकली चीज़ें देखेंगे तो PCOD भी हो सकती है ऐसी फीमेल के अंदर, फाइब्रॉइड्स भी हो सकते हैं ऐसी फीमेल में, क्यों, कॉर्टिसोल बढ़ गया, ज़बरदस्ती की टेंशन हो गई, कॉर्टिसोल बढ़ गया, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ गया, तो इतनी मल्टीपल कंप्लेंट्स। और अगर कंसीव हो गया तो उसके बाद जो मिल्क प्रोडक्शन होता है ना वो बहुत जल्दी कम हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा सुनते हुए कि जो बेबी था ना वो मदर फीड ही नहीं ले पाया क्योंकि मदर का मिल्क प्रोडक्शन ही उतना नहीं हुआ। तो क्यों, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो कंसीव हुआ और मुश्किल से कंसीव होने के बाद भी डर लगा रहा कि कहीं ऐसा ना हो अबॉर्ट हो जाए, तो वो सारी चीज़ें इतना ज़्यादा मतलब हैफेजर्ड हो गई ना कि अब इस पर्टिकुलर टाइम पे आके अभी भी फ्रस्ट्रेशन है, कम नहीं हुई है। हम खुश हैं कि हमने कंसीव कर लिया, बेबी हो गया, पर कहीं ना कहीं हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन था वो बहुत कम हो गया। ये अब आप समझ लीजिए कि फीमेल्स की इस व्यथा को, इस तकलीफ़ को सुनने के लिए कोई राजी नहीं है और कोई समझना भी नहीं चाहता, जबकि एक्चुअली जब फीमेल आती है ना OPDs के अंदर तो ये सारी बातें हम लोग करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो पता चलता है कि वास्तव में तकलीफें फीमेल्स को कहीं ज़्यादा होती हैं मेल्स के कंपैरिजन में। अब आ जाइए मेल्स के ऊपर। देखिए, प्री मैच्योर एजिंग दोनों में मिलेगी, मेल्स में भी मिलेगी, फीमेल्स में भी मिलेगी। मेल्स में क्या होगा, वजन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, अगर वजन नहीं भी बढ़ा तो बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो गई है, एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं, या तो हम गले पे बैठे हुए हैं कुर्सी के ऊपर, या हम गद्दी पर बैठे हुए हैं, या हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, मतलब पूरे दिन बैठना है, एक्सरसाइज के नाम पर कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, सेक्सुअल डिज़ायर हमारी ज़्यादा है या तो या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर ज़्यादा है तो हम जब इंटरकोर्स कर रहे हैं तो हमारी टाइमिंग पुअर है, हमारा जो एजैकुलेशन है वो एजैकुलेशन जल्दी हो जा रहा है, अगर एजैकुलेशन टाइम से हो भी रहा है तो जो क्वालिटी है हमारे डिस्चार्ज की बहुत अच्छी नहीं है, और हर समय अगर हम इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे तो हमें ग्लीट का मतलब है एक वाटरी डिस्चार्ज हमारे यूरिन से आता रहता है, जो यूरिथ्रा से आता रहता है, जो बेसिकली यूरिन नहीं होता, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ठीक है। और अब क्या है, स्टरिलिटी हो चुकी। अब अगर आप डायग्नोस्टिकली समझें ऐसे पेशेंट में तो क्या हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या तो कम हो गया, अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ठीक भी है तो आपने स्पर्म काउंट कराया, पता चला स्पर्म काउंट या तो ठीक है या कम है, अगर कम है तो फिर ऐसे में क्या होगा, पेशेंट को वैसे भी प्रॉब्लम है, पर अगर ठीक है तो क्या होगा, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी जो है वो कम मिलेगी, अगर नॉर्मल मॉर्फोलॉजी भी ठीक मिलेगी तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्टिव सेल्स हैं वही कम है। तो आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि एक पेशेंट मेरे पास आए, मेल पेशेंट थे, उन्होंने अपनी मल्टीपल कंप्लेंट्स बताई और हमने उनकी रिपोर्ट्स देखी। मैं आपको फेयर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 मिलियन के आसपास स्पर्म काउंट था, लेकिन उसमें से जो नॉर्मल सेल्स थे वो कितने थे, 50%। तो 100 मिलियन में से कितने काम के हुए, 50 मिलियन। अब 50 मिलियन में से भी जो सेल्स एक्टिव थे वो थे 30 मिलियन या 30%। तो 30% का मतलब कितना हो गया, 50 मिलियन का 30% यानी 15 मिलियन। तो मतलब कंसीव करने लायक जो स्पर्म काउंट था ना हमारा, वो सिर्फ 15 मिलियन रह गया आउट ऑफ 100 मिलियन। तो अगर आपके स्पर्म काउंट की रिपोर्ट्स के अंदर जो परसेंटेज है ना वो मिलियंस में 100 मिलियन के आसपास भी जा रही है तो ज़्यादा खुश मत होइए, लेकिन अगर ये मॉर्फोलॉजी और एक्टिविटी अगर स्पर्म्स की अच्छी नहीं है तो कंसीव फिर भी नहीं होगा। फिर उसके बाद डिज़ायर कम्प्लीटली डिमिनिश्ड है, डिज़ायर अगर बहुत ज़्यादा है तो कुछ बहुत ही ज़्यादा है, ओवर मास्टरबेशन भी कर ले रहे हैं, फिर शारीरिक तौर पे भी हमें थकान हो रही है, भयंकर वीकनेस हो रही है, पढ़े रहने का मन कर रहा है, और अगर हम शारीरिक तौर पे वीक नहीं है तो मेंटली भयंकर तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो इनफर्टिलिटी मेल्स में भी, इनफर्टिलिटी फीमेल्स में भी, हर तरह की कंप्लेंट में, और खासकर वो कंप्लेंट्स जो कि टारगेट कर रही हैं कंसीव होने से रोक रही हैं एक कपल के अंदर, और बेबी होने के जो रिप्रोडक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तब वहाँ पर एग्नस कैस्टस इज़ अ वेरी गुड रेमेडी।
इसे आप गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है रिजल्ट मिले, पर असली यूसेज ना ऐसे केसेस के अंदर आती है जिन्हें वास्तव में ज़रूरत होती है। तो आप समझिए कि इससे कैसे आपको बेस्ट बेनिफिट्स मिलेंगे। नंबर वन, आप इस दवा को मदर टिंचर में इस्तेमाल करें, और मदर टिंचर में अगर आपको यूज़ करना है तो फीमेल्स और मेल्स की डोसेज उनकी कंप्लेंट के हिसाब से रहेगी। अगर आपकी कंप्लेंट कहीं ज़्यादा है तो डॉक्टर की गाइडेंस में एग्नस कैस्टस लें, अगर कंप्लेंट कम है तो आप 10 बूंद दिन में 3 बार के हिसाब से रेगुलर लें, एटलीस्ट 45 डेज इस दवा को कंज्यूम करें और फिर डॉक्टर के गाइडेंस में ही आगे इस दवा को लें, बिना डॉक्टरी परामर्श के ना लें, ठीक। फिर हमेशा समझिए, होम्योपैथी में ना मायज़म की बहुत वैल्यू है। मायज़म्स कुछ बहुत ही डिफरेंट, जब हम क्लासिकल होम्योपैथी करते हैं ना, और ऐसे केसेस में मायज़म्स की बहुत वैल्यू होती है, तो हम आपको एक एंटी मायज़मेटिक रेमेडी देंगे, उसके साथ में एड ऑन सिम्टोमेटिक कोई भी दवा अगर दी जाती है तो एग्नस कास्टस संग में बहुत बढ़िया काम कर सकती है। या फिर अगर हम केवल मायज़मेटिक दवा ना दें, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, तो उसके साथ में एग्नस कास्टस इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। अगर आप होम्योपैथिक इलाज नहीं कराना चाहते, आप ऑलरेडी एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, IVF ट्राई कर रहे हैं, IUI ट्राई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एग्नस कैस्टस को एड ऑन की तरह 45 दिन इस्तेमाल करिए, 10 बूंद दिन में 3 बार के हिसाब से यूज़ करिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके वो देने से पहले एक हल्का सा डिस्कशन डॉक्टर के संग में होना ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा बेटर बेनिफिट्स मिल पाएँ। डोसेज हर कोई आपको बता देगा, लेकिन सही मायने में वो दवा आपके शरीर पे कितना काम करेगी और वास्तव में कितने रिजल्ट्स देगी, ये देखना ज़रूरी है। इसके अलावा और भी अच्छी दवाइयां हैं, जैसे अवीना सटाइवा हो गया, या फिर सेलेनियम हो गया, या इसके अलावा कैलेडियम हो गया, है ना, और भी अच्छी रेमेडीज़ हैं। ऐसा नहीं ये रेमेडीज़ ख़राब है, या फिर हमारा एग्नस कैस्टस खराब है, ऐसा नहीं है। पर हर मरीज़ में कौन सी दवा किस सिम्टम के ऊपर डायग्नोस्टिकली या सिम्टोमेटिकली ज़्यादा बेटर काम करेगी, लेट द डॉक्टर डिसाइड। तो अगर आप इस तरह से एग्नस कैस्टस को इस्तेमाल करते हैं सही डोसेज के हिसाब से, तो हमेशा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा, मदर टिंचर्स हमेशा 1 गिलास पानी में डाल के लिया करिए। मदर टिंचर्स हमेशा बिटर होते हैं, अगर आप 1 गिलास पानी में डाल के लेंगे तो ज़्यादा कड़वाहट महसूस नहीं होगी, ठीक। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी थी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन कपल्स के लिए जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल वीकनेस जैसी शिकायतें हैं। तो ज़रा अपने दिमाग को खोलिए, अपनी सोच को बढ़ाइए, और इस तरह से मरीजों की मदद करने की कोशिश जो हमारी है उसमें हमारी सहायता करिए, सही लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। तो आई होप आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे, संतुष्ट है तो हमेशा की तरह थम्स अप जरूर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार थे तो सब्सक्राइब कर बटन जो है ना दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।